गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई स्वेयर गाइस, इसके बाद तो मैं जेल लाइफ बिल्कुल ही शेयर करने वाली। मुझे लिटरली इतनी हंसी आ रही है, इतनी शर्म आ रही है। अच्छा अब मुझे पता चला मैं इतनी शेमलेस नहीं हूँ, यकीन करो। पता अजीब अजीब थॉट्स आने लगते, जैसे कहीं कोई सेक्स सीन एक्सप्लेन करने लगते मुझे अजीब से थॉट्स आने लगते हैं, जैसे मेरा फेस फुल रेड हो रहा है। और गाइस अगर तो कोई रिक्वेस्ट आई सो आई, खुद से तो मैं कोई नहीं शेयर करने वाली। हमने चले बस अब मेरा ये स्पेशल पार्ट अपलोड करने का भी कोई मन नहीं था, बट ना मैंने ऐसे पता नहीं क्या सोच के मैंने ना वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में ना पोल डाल दिया, वोट पोल डाल दिया। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब अभी देखा तो उस पर 100 वोट्स आए थे, फिर मैं कर ले, अगर मैंने अब ना किया ना तो फिर इतना बुरा लगेगा, अब तो करना पड़ेगा। तो अब मैं पार्ट डाल रही हूँ। तो चलिए अब जैसे मैंने बताया था कौन सारों का सेक्स देखने को मिलेंगे। गाइस अगर आपको कुछ भी सेम लगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वेल मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, मैंने आपको पहले कहा जीएल के बारे में मुझे भी ज्यादा नहीं पता। तो बस अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा पक पक हो गई हमेशा की तरह। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होते हैं, हम यहाँ सीन देखते हैं कि जो जिमिनी होती है, जिमिनी होती है वो यहाँ हो रही होती है, और ये 1 वीक बाद का सीन था जो भी हुआ था उनके बीच में, 1 वीक बाद का सीन था। और ये भी जो जिमिनी थी वो लिपिंग करी थी, बिकॉज उसके बाद से जो युनजी थे उस वो जिमिनी को छोड़ती नहीं थी। मॉर्निंग में जब भी उसको टाइम मिलता था, वो मॉर्निंग में नाइट में मिड नाइट में जैसे भी टाइम मिलता था वो हमेशा जिमिनी के साथ शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से जिमिनी को अब ना सही से वो सो भी नहीं पाती थी। या तो वो अनकॉन्शियस होकर सोने का उसको टाइम मिलता था, या फिर ना वो जब ना युनजी से बहुत ज़्यादा बैक करती थी, या फिर युनजी ना जल्दी सेटिस्फाई हो जाती। बट वो जल्दी भी सेटिस्फाई तब होती थी जब उसके 8 to 10 राउंड्स हो जाते थे। जो जिमिनी थी इस टाइम वो ना अपने क्लोथ्स को ना वेयर कर रही थी और ना टाइम अपने ना बांध रही थी, बिकॉज अब उनको कॉलेज जाना था और 1 वीक से वो गए नहीं थे कॉलेज, तो उसको कर रही थी। और जो उसके बाल थे उनको ना जो युनजी थी वो टाई कर रही थी, और उसको ना एक ब्यूटीफुल सीन पोनीटेल बना देती, और फिर ना जिमिनी को ना अपनी तरफ ना उसको अटेंड करती, और फिर ना जिमिनी की ना आइस में देखने लगती। और जो जिमिनी होती है उसकी तरफ देख रही होती है, स्माइल करती है, और फिर जो युनजी होती है वो भी एक स्माइल करती है, और फिर ना जिमिनी को किस करने लगती है, और जो जिमिनी है वो भी किस पैक करती है। दोनों किस पैक करते हैं और फिर पीछे हटते हैं, तो फिर जो युनजी होती है वो ना जिमिनी की तरफ देखने लगती है, और फिर ना उसकी आइज ना अचानक से डार्कन हो जाती है, बिकॉज जो जिमिनी थी उसने एक शर्ट पहनी थी और उसके साथ स्कर्ट पहना था, और स्कर्ट में बिल्कुल उसकी ना जो लेग्स थी वो ना नजर आती थी, और उस लेग्स पे उसके फुल थाइस पे हर फुल बॉडी पे ना वो नजर आ रहे थे, वाइट मार्क्स नजर आ रहे थे। बट इस टाइम जो जिमिनी थी उसने ना व्हाइट कलर उसने ना पहनी थी ब्लैक कलर की ना टाइट्स पहनी थी, जिसकी वजह से ना वो नजर नहीं आ रही थी। तो ये देखे ना युनजी की ना थोड़ी आईज डार्कन हो जाती है, और वो ना जिमिनी की तरफ देखने लगती है, बट जिमिनी को नहीं समझ आती कि क्या युनजी को क्या हुआ। तो फिर ना जो युनजी होती है वो ना जिमिनी का हाथ खींचती है, उसको ना बेड पे फेंक देती है। जो जिमिनी होती है वो शॉक हो जाती है युनजी के अचानक से एक्शन से, और वो कुछ बोलने वाली होती है, तो जो युनजी होती है वो फौरन ही जिमिनी की उसको उतार देती है, टाइट्स को उतार देती है, और फिर ना उसकी बॉडी की तरफ देखने लगती है, और उसकी ना अब जो थी स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई थी, जिसकी वजह से उसके जो हिप्स थे वो फुली नजर आए थे, उसका फुल बॉडी अंडर बॉडी नजर आने लगी थी। तो जिसको देखे ना जी एक्सपेक्ट करती है, और फिर ना जिमिनी की तरफ झुकती है, और उसके ना ईयर पे ना लिक करते हुए कहती है कि ना बेबी जो चीज़ मैंने दी है ना उसको छुपाने की कोशिश भी मत करना, समझ आई ये बोलती है। और उसके ना नेक पे ना एक जोर से बाइट कर लेते हैं, और जहाँ ना एक और मार्क बन जाता है जहाँ पहले से ही बहुत सारे मार्क थे। तो कहते कि ना युनजी ये कितना एम्बरेसिंग है, नहीं मैं वापस पहनूंगी, मैं नहीं ऐसे जाऊँगी। तो फिर कहते नहीं तुम्हें तो पहनना पड़ेगा, तो ऐसे नहीं जाओगी, वो ये बोलती है। और फिर ना दोनों लड़ने लगते हैं, तो एंड में ना जो जिमिनी है उसको मानना ही पड़ता है, और फिर वो ऐसे ही कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ सब जो जैसे भी फिर ना स्टूडेंट्स थे वो जिमिनी को ऐसे घूर के देख रहे थे, बिकॉज जो भी उसकी बॉडी पार्ट्स नजर आए थे वहाँ व्हाइट मार्क्स थे पड़े, और जो कि जिमिनी ने दिए थे, और वो बहुत ही प्राउडली चल रही थी जिमिनी की वेस्ट पर हाथ रख के। तो इधर हम सीन देखते हैं कि वो जैसे ही आते हैं कि आज भी उनका ना बास्केटबॉल मैच की ना प्रैक्टिस थी, तो फिर ना वो जब आते हैं लोकर रूम में तो फिर वहीं पे ना सेम वैसे का वैसा सीन होता, बस इस दफ़ा ना पोजीशंस चेंज थी, वो तीनों कपल भी किसी कर रहे थे इस टाइम। बट ना जो तेंग था वो बहुत ही अग्रेसिव किस कर रहा था, और
जंकू की को और इधर वायन किन्ना लैब में बैठी हुई थी होबी, और जो जिन था वो ना आरएम की ना वेस्ट पे उसने ना हाथ रखे थे, और आरएम के भी हाथ ना जिमिनी जिनी की वेस्ट पे थे, और इस तरह वो किस कर रहे थे। तो फिर ना जो युंगजी होते और जैसे जिमिनी और जी वहाँ आते तो फिर उन सब की नज़र ना उन दोनों पर जाती है, और फिर ना जब वो जिमिनी को देखते हैं तो उनकी आइज वाइंडर हो जाती है, और उसके बाद फिर ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, जिससे ना जिमिनी का फेस और ज़्यादा रेड हो जाता है। और फिर ना वो युंगजी के ना उस पर ना चेस्ट में ना सच छुपा लेती है, ऐसे नेक पे ना अपना फेस छुपा लेती है, और फिर ना जो यूं जी होती है वो कहती है कि ना ओके गाइस मेरी बेबी को ना तब मत करो, उसे शाय फील हो रहा है, उस तरह बोलते हो। तभी कहते हैं ओ रेली रात को जब मन कर रही होगी तब इसको शाय फील नहीं हुआ, इस तरह बोलते हैं। फिर ना जो तेंगी होते वो जोर से हंसने लग गए थे, उसके सब बाकी साहब भी हंसने लग गए थे। तो फिर ना जो जिमिनी होते वो ना यूं जी के ना चेस्ट पे हिट करते हुए कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, देखो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम बीस्ट मुझे छोड़ती ही नहीं हो, उस तरह बोलती है। और फिर ना फाप से ना अपना फेस छुपा लेते हैं, तो फिर ना जो यूं जी होते हैं स्माइल करती है, और फिर ना जिमिनी को ना फेस ऊपर करती है उसकी तरफ देखने लगती है, और उसको ना जोर से ना किस कर लेती है, और जो यूं जी होते हैं जिमिनी होती है वो भी किस पैक करती है, दोनों ना एक पैशनेट किस करते हैं। और उस टाइम ना उन सब ने हंसना भी बंद कर दिया था, और वहाँ पर ना उनकी ना किस की वॉइस आने लगी थी, तो ना जो हमारे बॉटम्स थी यहाँ पे उन तीनों की ना जो इयर्स थे वो रेड हो गए थे, तो उनके टॉप्स मतलब हमारे नामजुनी ने, हमारे जंकू की ने, और हमारे जंकू की कह रहे हैं तेंगी ने, और हमारे ना जो हॉबी ने प्रेम ने ना बॉटम्स को खींच लिया था, और वो भी किस करने लगे थे, और चारों फिर से किस करने लग गए थे एक अपने अपने ना पार्टनर्स को। और उसके बाद फिर ना जब उनको बेल आती है, बेल की वॉइस आती है, तो पीछे अलग होते हैं, और उसके बाद सारे स्माइल करते हैं। तो फिर ना उसके बाद फिर अब हम देखते हैं उनकी प्रैक्टिस का सीन, जहाँ पे ना प्रैक्टिस कर रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा ना सभी टेम्पटिंग लग रहे थे, और ना सारे जो बॉयज थे वो तो बस उन सब पे उन आठों पे फ्लैट थे, बट वो कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी टेकन थे और एक दूसरे के लिए थे, तो जिसकी वजह से अगर कोई एक भी किसी एक के साथ ही फ्लैट करता था तो जो उसका पार्टनर था वो उसको छोड़ता नहीं था, तो इस वजह से ना वो सारे दूर दूर रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो उनकी प्रैक्टिस हो गई वो हो चुकी है, और फिर ना अब सारे आवे में यहाँ बात कर रहे हैं लोकर रूम में। उसके बाद फिर जो वायन होती है वो कहती है ना गाइस तुमने सुना फेयरवेल पार्टी होने वाली है, तो फिर कहते हाँ हमें पता है, तो फिर कहते कि ना तो अब क्या सोचा है हम क्या करने वाले हैं, तो फिर कहते कि ना जो जंकू की होती है वो कहते कि ना मुझे जूनी को और ना जो जूनी युंजी और ना होबी को हमें ना ड्यूटी मिली हुई है फेयरवेल पार्टी की, ना जो जितने भी अरेंजमेंट्स हैं वो हमें करनी है। तो फिर ना जो हमारी बॉटम्स होती हैं यानी हमारी ना तेंगी जिनी वायन और जो ना हमारी होती है जिमिनी वो ना उनका फेस थोड़ा उतर जाता है, और फिर ना वो उनकी तरफ देखने लगते हैं, और फिर कहते हैं कि ना अब तुम फुल वीक तुम सब बिजी रहने वाले होते, फिर कहते हैं यस बेबी, और इस तरह बोलते हैं, और फिर ना अपने अपने पार्टनर्स के ना वेस्ट को पकड़ लेते हैं और उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर ना जो जूनी होती है वो कहते हैं बेबी बट हम तुम्हारा भी ख्याल रखेंगे, कहते कहाँ, तो फिर ना जिनी कहते कहाँ से ख्याल रखोगे, यहाँ तो होगी ही नहीं हमारे साथ, यहाँ तुम तो फेयरवेल की पार्टी में रहोगे, तो फिर ना फेयरवेल की पार्टी की तैयारियों में। तो फिर ना जो ना वो जूनी कहते कि ना नहीं हम तो भाई फुल टाइम देने की कोशिश करेंगे, तो फिर ना जो जी जो थे वो उसकी तरफ ना गुस्से से देखते और कहते कोशिश नहीं तुम्हें देना पड़ेगा टाइम। तो फिर ना जो जिनी थे वो कहते ओके ओके बेबी, इस तरह बोलते, और फिर ना जिनी की ना बिल्कुल नीचे झुकती जिनी की तरफ, और जो जिनी होती वो ना जूनी को ही देख रही होती, और जो जूनी होती वो ना एक्सपेक्ट करती है, और फिर कहते कि ना हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा समझे कि तुम अब टेकन नहीं हो। तो फिर ना जो जूनी होती है वो एक ना कन्फ्यूज लुक देती है, उसे ना जूनी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और जो जूनी होती है वो एक स्मैक करती है ये देख के ना जूनी कितनी कन्फ्यूज है, तो वो ना उसकी नेक की तरफ जाती है और एक जोर से बाइट करती है, वो जोर से जो कि इतने ज़ोर से बाइट करती है कि ना जो मार्क बनता है वो तो ऐसे होता है जैसे वो 2 या 3 वीक तक भी नहीं जाने वाला, और जब वो पीछे होते हैं तो वो ना एरिया काफ़ी ज़्यादा रेड सा हो गया था, तो देख के स्मैक करती है, और फिर ना जूनी की तरफ देखती है जिसके आइस में ना हल्के से टीयर्स होते हैं। तो फिर ना जूनी एक सॉफ्ट स्मेल करती है और उसकी ना आइस पे किस करती है, और फिर कहती है ना बेबी
तुम सिर्फ मेरी हो। वो ऐसा बोलते तो फिर जिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं ओनली योर्स, वैसा बोलते। और फिर इधर हम देखते हैं कि हमारे ना तेयंगी और ना हमारे तेकू का सीन, जो कि ना जो तेयंगी होते हैं वो ना जो कुकी की तरफ देख रहे होते हैं, कहते हैं कुकी, फिर कहते हैं तेरी क्या हुआ, तो फिर कहते कि ना तुम मुझे टाइम नहीं दोगी, तो फिर कहते कि ना ऐसा कैसे बोला, तो फिर कहते कि ना बट तुम सच में टाइम नहीं दोगी, तुम्हारे पास अब टाइम होगा नहीं, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाली। तो फिर ना जो जंकू की होती है वो हंसने लगती है, और फिर कहते कि ना बेबी हम रात को इकट्ठे ही सोते हैं रोजाना, तो फिर ना जो कहते इकट्ठे सोते हैं तो उसका क्या मतलब, मैं तुम्हें मिस भी नहीं कर सकती। तो फिर ना जो तेंगी ये बोलती है, और फिर ना जंकू की तरफ देखने लगती है, तो फिर ना जंकू की कहती है ना बेबी अगर तो जब तुम थकी ना हो या फिर ना तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो फिर जहाँ जो मैं तैयारियाँ कर रही हूँ तो मेरे साथ तुम रह सकती हो। तो फिर ना ये सुन के ना जो तेंगी होती है वो खुश हो जाती है, कहती है रेडी कुकी, तो वो कहते हैं हाँ, तो फिर कहते हैं ना थैंक यू, ऐसा बोलती है। और फिर ना जब कुकी की ना चिक्स पे किस कर लेते हैं, जो जंग कुकी होती है वो स्माइल करती है। इधर हम देखते हैं हमारे वायन और ना होबी का सीन, तो फिर ना जो वायन होती है वो ना होबी को बिठा दी है उसकी लैप पे आके बैठ जाती है, और उसको ना रफली किस करने लगती है, और फिर ना उसकी ना जो होती है शर्ट के अंदर ना हाथ ले जाती है, और उसके ना फुल ना जो होती है बॉडी पे ना अपने हाथ को फिराने लग जाती है, और ना उसको अभी भी रफली किस कर रही होती है। और जो होबी होती है वो भी कुछ कहती नहीं है, और वो भी किस बहकी करी होती है, और उसके बाद जो वायन होती है वो उसकी ना नेक पे आ जाती है, और वहाँ ना ही चीज़ बनाना स्टार्ट कर देती है। और जो ना जो अभी थी वो ना मौन कर रही थी, और ना और बाकी सब कपल्स अपने अपने वर्ल्ड में बिजी थे, तो कोई किसी ऊपर किसी और के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते। यहाँ तक कि जब जिनी को ना जुनी ने बाइट की थी तो उसने इतने जोर से चीख मारी थी, बट तब भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, सब अपनी मस्ती में मस्त थे। तो इधर हम देखते हैं फाइन का, जो फिर ना जब हिकीज बना लेती और फिर ना हॉबी की तरफ देखती तो फिर ना उसकी तरफ फिर से झुकती और उसके लिप्स पे ना एक जोर से बाइट करती है, और किस करने के बाद, और फिर कहती कि ना याद रखना तुम सिर्फ मेरे, किसी और की तरफ तुमने देखा भी ना तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और ना ये देख लो मैंने तुम्हें ना मार्क कर दिया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। वैसे मुझे तो फिर ना जो हॉबी होती है वो स्माइल कहते हैं, कहते हैं ओनली योर्स, तुम क्यों इतना जेलस होते हो। तो फिर कहते मैं जेलस नहीं हूँ, मैं बस पोजेसिव हूँ अपनी चीज़ को लेके। उस तरह बोलती है, तो फिर कहते ओके ओके माई बेबी, वैसे बोलती है, तो फिर कहते मैं बेबी नहीं हूँ मैं मम्मी हूँ। तो फिर कहते हैं नो, तुम्हें अच्छे से पता है कौन है मम्मी, तुम हमेशा क्यों कहते हो, तुम टॉप बनने की क्यों कोशिश करती हो, जब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें मैं ही फक करूंगी। तो फिर कहते ना कोई हाल नहीं है तुम्हारा, शिमलेस। उस तरह बोलते उसका ना फेस रेड हो जाती है, देखो कहते। तो फिर ना जो हॉबी होती है वो कहती है देखो कोई मम्मी भी भला ब्लश करती है, तो फिर ना जो ना वाइन होती है उसका फेस और भी ज्यादा रेड हो जाता है, और फिर वो कहती है शिमलेस परवर्ट। उस तरह बोलती है और फिर ना खड़ी हो जाती है, और फिर ना वहाँ से जाने लगती है, तो हॉबी उसको ना वापस अपनी लैप पे खेल जाती है, और फिर दोनों दोबारा से किस करने लगती है। इधर देखते हैं हमारे ना जो योनजी और हमारी जिमिनी का सीन, जो जिमिनी होती है वो फिर ना वायन वायन कह रही योनजी की तरफ देख रही होती है, सच योनजी की तरफ देख रही होती है, और फिर ना जो कहती है योनजी, तो फिर कहते हैं बेबी क्या हुआ, तो फिर कहते हैं कहना क्या तुम मुझे भूल जाओगे, तो फिर कहते हैं बेबी मैं भूल वाली क्या बात है, सिर्फ एक वन वीक भी बात है, बस मैं ना कॉलेज से देर से आया करूँगी, और बस थोड़ा सा टाइम तो मैं नहीं दे सकूंगी, थोड़ा सा, उसके अलावा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, और तुम्हें मैं भूल नहीं सकती, तुम मेरी वो चीज़ हो जिसको मैं अगर अपनी मेमोरी भी लॉस्ट कर दूँ ना तो भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तो फिर ना जो जिमिनी होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहते प्रोमिस, कहते हाँ मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ही तुम्हारे लिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए, तो तुम इसकी फिक्र ना करो। तो फिर ना जो जिमिनी होती है वो स्मेल कहती कहती हाँ मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा लॉयल हो, वैसे बोलते हैं, और फिर कहते होड़नी भी, वैसे बोलते हैं, और फिर अपनी आईज को रोल करती है। तो फिर ना जो योनजी होती है वो स्मेल कहती है, और फिर ना जिमिनी को अपनी तरफ कहती है, और फिर कहते बेबी तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी कुछ करना चाहिए, तो फिर कहते क्या मतलब, कहते पीछे देखो, जब वो ना जिमिनी पीछे देखती है तो जैसे कि हमने हर दफ़ा देखा है कि जब वो देखती है तो वो सब किस कर रहे थे, तो अभी भी वो किस कर रहे थे, और ना जो कुकी का हाथ था वो भी ना तेंगी की शर्ट के अंदर था, और ना इधर जो जिनी थी वो ना हल्की सी मौन कर रही थी, बिकॉज जो उसके भी हाथ उसके ना अंदर ही थे शर्ट के, और इधर जो वायन थी वो तो ऑलरेडी जो भी के हाथ तो उसकी शर्ट के अंदर थे ही। तो फिर ना जो जो जिमिनी होती वो ना ऐसे उसका फेस रेड हो जाती, कहती यहाँ नहीं, तो फिर कहते ओके बेबी तुम कहाँ जाती हो, तो फिर कहते कि ना अंदर रेस्ट रूम में चलते हैं, तो फिर कहते ओके ये बोलते हैं, और फिर ना वो उसका ना हाथ पकड़ लेते हैं, उसको अंदर लेके आते हैं, और फिर ना जो जैसे योनजी और ना जिमिनी अंदर आ जाते हैं, तो फिर योनजी ना फौरन ही ना जिमिनी को अपनी तरफ फेंकती है, और उसको किस करने लगती है, और दोनों एक पैशनेट किस करते हैं। उसके बाद जो योनजी थी वो ना उसके ना जो
पर एरिया होता है, फर्स्ट उसकी शर्ट को उतार देते हैं, उसकी ब्रा को उतार देते हैं, और फिर उसकी तरफ देखने लगती है लस्ट वाली से, वो उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ ब्रश की तरफ देखते हैं, और फिर ना उसके निपल्स को ना अपने माउथ में ले लेते हैं, और फिर ना वहाँ ना उसको ना जोर जोर से सक करने लगती है, जो फिर ना जो जीवी नहीं होती वो ना मुन कर रही होती है, और ना उसके बाद फिर ना इसी तरह ना वो करना लव मेकिंग लव सेशन चलता है मेकआउट। तो उसके हाफ आवर बाद वो बाहर आते हैं, और इस टाइम अब उनको ना हो गया था, आज सिर्फ उनका ना ये बास्केटबॉल प्रैक्टिस थी जो उनकी 3 आवर्स तक चली थी, और अब सब थक भी चुके थे। तो उसके बाद फिर अब ना सब एक दूसरे को बाय करते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। और गाइस अब यहाँ पे मैं टाइम स्किप करने वाली हूँ 1 वीक बाद का, बिकॉज ये 1 शॉट है और पहले ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और इतना बड़ा हो गया, अभी तो मैंने बहुत कुछ बताना है। अच्छा गाइस अब मैं सोची कि मैं इसको 1 शॉट नहीं 2 शॉट करूँगी, एक में ना हम इनके देखेंगे रोमांटिक सीन्स और एक में हम देखेंगे रोमांस के सीन्स, तो ये सही रहेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ना ये पार्ट मैं ख़त्म कर रही हूँ, सिंपल बात है।